अस्सलाम वालेकुम जी, अमर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? तो आपकी दुआओं के साथ मैं भी ठीक हूँ, और अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, उसका टॉपिक क्या बताऊँ, उफ, मैं तो ये शेयर कहूँगी। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ आपको मुबारकबाद, एदम लादम नबी की बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। और ये महीना रहमतों, बरकतों, खुशियों, मैं कह रही क्या कहूँ, बस यही काफ़ी है कि अगर दुनिया में मोहम्मद ना होते तो हम अनदेखे खुदा को मानते कैसे, तो हमारा तारीफ कौन करवाता? जैसा कि एक मेरा नाम ना होता अंबर की दुनिया, तो मेरी पहचान क्या होती? तो उफ, मैं कह रही हूँ कि आप सबको मेरी तरफ से इतनी ज़्यादा मुबारक, इतनी तरह ज़्यादा मुबारक कि अल्लाह ताला ये महीना आपके लिए जो आपकी नेक ख्वाहिशें रुकी हुई थी, वो उनके आने से ये आज तक कंफर्म नहीं हो सका कि वो इस महीने यानी कि इस 12 रबीउल अव्वल में आए थे, जाके दुनिया से वसाल कर गए थे। बहरहाल हमें यही अकीदा रख रहे हैं लोग कि आए थे, तो हम भी कहते हैं आए थे। तो उनके आने से जो घर में आ जाती है रौनक सी, वो समझते हैं कि शायद हालात अच्छे हैं। तो यकीन माने ये महीना जब आता है ना, इससे पता क्या क्या बहाने बनते हैं हमारे लिए। हमारे घर को सजना संवरना पड़ता है, हमें अपने लिए अच्छा सा सूट सिलवाना पड़ता है, जो कि उसकी महफिल में हमने, लोग समझते शायद दिखावे के लिए होते, नहीं, जब हम शादी पर जाते हैं तो कैसे बन ठन के ठाठ बाट से जाते हैं, तो जब हम उसकी उनकी उनकी महफिल में जाएं तो हम क्या ऐसे चले जाएं? नो नो नो। तो यही कहूँगी इस महीने की अमद से, जो जो के रहमतें उतरती हैं, बरकतें घरों में आती हैं, सफाई सुथराई होती है, बेड की शीटें नई वाली आती हैं और जोड़े नए वाले आते हैं, जैसे हमारा कोई VIP यानी कि हम वो कहेंगे कि वो आ रहे हैं, हमारे वो मेहमान आ रहे हैं VVVIP, तो हमें तो बहुत खुशी होती है। देखो आपकी हजूर की, यानी कि आप भी हजूर के उम्मती हैं, हम भी उनके उम्मती हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, चाहे इसमें हमने फिरकेबाजियों में कोई तो रख लिया सुन्नी अहले हदीस बलेवरी बरेवरी पता नहीं, तो मुझे तो ये फ़िरकों के नाम भी नहीं आते। मैं तो यही समझती हूँ कि हम नाम उसी का लेते हैं, किसी भी तरीके से लें। जब हम कहते हैं अल्लाह, तो फिर अल्लाह ही है ना, किसी कोई मौला के या कोई खुदा के या कुछ, अल्लाह तो समझते ना कि जब मुझे पुकार रहा है। तो इसी तरह हम भी हजूर पाक का नाम लेते हैं, हम उनके उम्मती हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, वो हमारे अर्श फर्श के मालिक हैं, हमारे यानी कि हमें उन्होंने दुनिया में जो एक विज़न दिया कि हम मुसलमान बने। अगर हमें यही ना पता होता कि हम कौन हैं तो क्या बनता, हमें एक पहचान थी, तो क्या ना आज से हम उनकी पहचान के फिर चर्चे करें, और जो वो चाहते थे और जो हमें कह के गए हैं, जो अल्लाह ताला ने उनसे कहलवाया है हमारे लिए, क्यों ना हम उस पर अमल करें, मसलन अमल क्यों ना करें। यही अच्छा अच्छा सलूक, हुस्ने सलूक रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, यानी कि जानदार चीज़, कोई चरिंद परिंद दरिंद, हमदर्दी मोहब्बत भाईचारा, ये सब क्यों ना हम लेके चले साथ। देखिए मानते तो आज भी हम उन्हीं को ही हैं, वही हमारी किताब है, सिर्फ कुरान पाक वाहद किताब है, वही वाहद आखिरी नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही हमारा अल्लाह है। ज़माना बदल गया तो क्या होगा, करें फैशन करें जितना मर्जी करें, मगर उनको तकलीफ़ देने वाला ना करें कि जिससे उनको रोज़े क़यामत जब वो हमारे सामने आए तो वो अल्लाह के सामने नज़र उनकी शर्मिंदा हो कि ये मेरे उम्मती हैं, किस मुंह से वो तारीफ करवाएं हमारा कि ये मेरे उम्मती हैं।
हम उनकी रूह को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, कोशिश करें दर गुज़र करने की, जो सब्र उन्होंने सिखाया हमें कि एक एक हफ़्ता भी उन्होंने फाका किया, ये सारा सब्र तहमल सलूक हर चीज़ हमें ज़िंदगी गुजारने की वो बता गए हैं। तो हम अगर नमक में यानी आटे में जितना नमक डालते हैं इतना भी अमल कर लेते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, शायद लोगों को पता नहीं चलता। तो लोगों का काम है कहना, आप अपने अल्लाह की रज़ा के लिए कोई नाराज़ है उसको राज़ी कर लें। जो अगर कोई आपको बुरा कहता है, हो सकता है आप बुरे हों, कहते हाँ जी मेरे अंदर ये बुराई है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अगर कोई आपको कहता है ये मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, मेरे साथ ऐसे है वैसे है, कहते जी मैं बुरी हूँ, आप अच्छी बन जाए ना, क्योंकि हाथ ये ताली जो बजती है दोनों हाथों से बजती है। अगर इस हाथ को हम इसको साथ टच नहीं होने देंगे तो मेरा ख्याल के बुराई फैलेगी नहीं, बुराई वहीं पर रुक जाएगी, इसको टकराने नहीं देंगे। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, प्लीज़ आप उस वक्त दर गुजर कर दिया करें, अपने अल्लाह पे छोड़ दिया करें। वो हक सच के फैसले बेहतरीन करने वाला है, उससे बड़ा कोई फैसला नहीं कर सकता बेहतरीन जैसा कि वो कर सकता है। तो मैं कहूँगी कि महफ़िल तो मैं भी करवाती हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ, जो अहले हदीस है मानते वो भी उन्हीं के हुए हैं। वो समझते कि हम शायद गुस्ताखी कर रहे हैं अल्लाह की शान में, मगर हमें उनकी तज़ीम करना नबी पाक की, हमारे अल्लाह ही ने तो बताया है कि जो मेरे मोहम्मद को, जो मेरे यार को राज़ी करेगा उसने मुझे राज़ी किया। तो हम तो उस अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करते हैं और करते रहेंगे, और अल्लाह हमें इससे बढ़ चढ़ के करने की तौफीक अता फरमाए। और ये हमारी छोटी छोटी काविशें जो हम उनके आने की आमद में, जैसे हमारे घर में कोई ख़ास मेहमान आते हैं तो हम करते हैं, ये तो उनसे कहीं ख़ास है, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो हमें और बढ़ चढ़ के उनके लिए तैयारियां करें, अपने घर में खुशबुएं फूलों से घर भरें, अपने आप को सजाएं बनाएं, घर को सवारे बनाएं, तो इंशाल्लाह हमारी रूह पूरा साल खुश रहती है। जब हमारे घर में उनका जिक्र तो रोज़ाना होता है, मगर जब इन दिनों में उनका जिक्र लिया जाता है, उन दिनों की बरकत से यकीन माने कि हमें इतनी शफात मिलती है कि हमारी साल भर की जो इबादत एक साइड पर रह जाती है, ये पूरे एक महीने की इबादत वहद वो है कि जिनमें खसूसी मोहब्बत हो जाती है। आगे पीछे शायद हम भूल जाते हैं, मगर इन दिनों में भूलना तो नहीं है ना, ये भूलने के दिल तो नहीं है ना, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। बहरहाल मैं तो बहुत खुश हूँ, और मेरी तरफ़ से मेरी अंबर की दुनिया को भी मुबारक बहुत ज़्यादा, और मेरी अंबर की दुनिया से की तरफ से सब मुसलमानों को रबीउल अव्वल का महीना मुबारक हो। और हम अपने घरों में महफिलें सजाएंगे, उनके डनके बजाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमसे कोई ऐसी गुस्ताखी ना कराए जो उसको ना पसंद हो, हमसे वो काम ले जिससे वो राज़ी हो जाए, ठीक है। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम उसको राज़ी करना है, हमने उसको राज़ी करना है बस। ये छोटी छोटी हमारी काविशें हैं जो अच्छे दिन ले आता है, देखिए जैसे ईद आ जाती है, शबरात आ जाती है, ये छोटे छोटे उन्होंने बहाने बनाए हुए हैं कि हम कहीं भूल तो नहीं गए, हम याद रखें, हम उनकी तरफ खींचते चले आएँ, पढ़ते चले आएँ। बेशक इनका कई लोगों का कीदा होता है कि इबादत तो हम रोज़ करते हैं, इस तरह से हम रोज़ तैयारी तो नहीं करते जैसे ईद आती है कि रोज़ नए कपड़े पहन रहे हैं, यानी कि इस तरह से तो नहीं तैयारियाँ होती ना जो हम ईद पे करते हैं या रमज़ान शरीफ में करते हैं या ईद बकरा पे करते हैं। तो इस तरह जो खसूसी दिन है, तो फिर जो ख़ास दिन है यानी कि जो हम उनकी खुशी मनाते हैं, तो फिर क्यों ना हम उसको सराहें, उसकी तारीफ़ करें। करना तो अल्लाह को याद है, राज़ी तो अल्लाह ही को करना है। तो कभी कभी होता है ना कि तू मेरे बच्चे को खुश करेगा, मैं तेरे बड़े को खुश करूँगा, तो क्यों ना हम अल्लाह के यार को खुश करें तो अल्लाह हमें खुश कर देगा। तो ये मैं आज वीडियो, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है,
आज मेरा कोई और टॉपिक नहीं है, आज टॉपिक सिर्फ यही है, महफिलें सजाएं, घर घर सजाएं, जिस तरीके से सजाएं जितना हो सके, यानी कि आपके पास थोड़ा है आप थोड़ा कर लें, ज़्यादा है ज़्यादा कर लें, चंद लोग आए ज़्यादा लोग आए, आपको इससे कोई नहीं स्वीकार कि आपके पास कम लोग आए हैं, कोई बात नहीं। हम तो हमारा मकसद है दर्स देना और दर्स लेना, और हमारा मकसद है उसके नाम की महफिल सजा के बैठना, और बाकी जो कोई किसी पे उंगली उठाए बात करे उसका जामन अल्लाह है, हम उसका मुंह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मारते का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलते की ज़बान कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो अल्लाह ताला उसकी ज़बान को पाबंद करे कि वो अल्लाह के ज़िक्र और उसके रसूल के ज़िक्र और आखिरत के फ़िक्र में लगा रहे, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो इतनी है, तो आप भी दुआओं में बहुत याद रखना, और मेरे से कोई गुस्ताखी होगी हो तो माफ़ कर देना, जैसे कि हमारे अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं, तो इसी तरह आप भी माफ़ कर देना, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट मी। तो दुआओं में याद रखना, फ़ी मानिल्ला, मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़। और एक बात मैं कहना भूल गई हूँ, सॉरी, अगर कोई आपको अपनी महफिल में बुलाता है आपने खुशी खुशी जाना है, आपने कोई किसी तरह का उस वक्त वसवसा दिमाग में नहीं लाना, जब वसवसे दिमाग में आते हैं ना तो उनको इस तरह से निकालना होता है जैसे घर में कुत्ता गुस्साता है ना, कुत्ते को हम कितने पलीत समझ के भगाते हैं, इसी तरह अपने वसवसों को आपने पलीत समझ के कि वो शैतान है, वो आपके दिमाग में शैतानी डालने आया है, तो उस शैतान को उसी वक्त भगा देना आपने, ठीक है। वो आपको ख़राब करने आया, आपको वो कहते हैं ना कि कुत्ता जब भौंकता है, ये हमारे दिमाग में जाके भौंकता है, तो आप दिमाग की खिड़की जो होती है इसको खोलना सीखें, और खिड़की खोलें और उसको कुत्ते को भगा दें, ठीक है। अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोचें, खुद भी खुश रहेंगे और आपकी वजह से दूसरे भी खुश रहेंगे। फ़ी मानिल्ला, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद, अल्लाह हाफिज़।